सूरजपुर जिले के ओरगी ब्लॉक अंतर्गत कालामांजन के जंगल में सोमवार सुबह गए 3 ग्रामीणों पर हमला करने वाले बाघ को वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ लिया है। बाघ के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी एवं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। अपने बचाव में ग्रामीणों ने बाघ पर टांगियों से वार किया था, जिससे बाघ घायल हो गया था। घायल बाघ के रेस्क्यू के लिए सोमवार से ही अभियान चलाया गया था। घायल बाघ के जंगल में घनी झाड़ियों में चले जाने के कारण उसकी निगरानी के लिए वन अमले के साथ पुलिस टीम सर्चिंग कर रही थी। बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए कुमकी हाथी को भी मौके पर बुलाया गया था। मंगलवार सुबह से ही बाघ को रेस्क्यू करने अभियान चलाया गया। बाघ की झाड़ियों में नजर आने पर कुमकी हाथी से सवार वन विभाग की ट्रैंक्विलाइज टीम ने डॉट मारकर बाघ को बेहोश कर दिया। बाघ के बेहोश होने के बाद वन अमले ने उसे झाड़ियों से निकालकर रेस्क्यू कर पिंजरे में बंद कर दिया। बाघ थोड़ा इंजर्ड तो है, उसके सर्वर पे इंजरी हुई है। जैसे कल जो जिसपे घायल किया था उनके कथन अनुसार उन्होंने टंगिया वंगिया से उस पर अटैक किया था और उसको देखने से लग भी रहा है उसके सर पे चोटें आई हैं, बट अभी वो घुरा रहा है और उसको प्रिलिमिनरी अपन जो फर्स्ट एड वगैरह देना वो दे रहे हैं और NTCA जो SOPs निर्धारित किया है उसके अनुरूप उस पर अपन ट्रीटमेंट करेंगे और आगे की कार्रवाई करवाएंगे। नहीं, नो डाउट चैलेंजिंग तो रहा, जैसा जो साइट जहाँ पे वो बैठा था वो काफ़ी अंदर था, वहाँ पे पहुँचना कल मुश्किल हो पा रहा था और आज कुंकी हाथी की मदद से हम लोग वहाँ पहुँचे और पूरे एक्सपर्ट डॉक्टर्स वेटरनरी की टीम थी और NTCA के जैसे गाइडलाइंस है उसके अनुरूप उस पर अपन ने ट्रैंक्विलाइज किया है और उसको रेस्क्यू किया है। अब इसको और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए आगे कहीं जू में हम लोग ले शिफ्ट करेंगे।